लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजरें डाल देते हैं आज की सुर्खियों पर। ममता ने मीडिया को दी चेतावनी, कहा अफवाह फैलाना बंद करें। बंगाल में बाढ़ ने मचाया हाहाकार, रेलवे ट्रैक पर पानी जमने से कई ट्रेनें रद्द। और दोस्त को शराब पीने के बहाने बुलाकर की हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार। ममता ने साधा मीडिया पर निशाना, सीएम ने कहा अफवाहें फैलाना छोड़ दे मीडिया। ये बात उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूलों में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के विषय में कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इस बात का खंडन किया कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ भाजपा समर्थित मीडिया गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। मीडिया के इस वर्ग को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को गुमराह न करें, बंगाल में सभी को हमारी आज़ादी के 70 वर्ष का जश्न मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल के सभी स्कूल अपनी पसंद के अनुसार स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं और वह भी अपने अपने तरीकों से। बारिश से बाढ़ की स्थिति तो कई लोगों की जिंदगी तबाह कर ही चुकी है, लेकिन ये बारिश है कि लोगों की जान लेने से रुकती ही नहीं। ऐसी ही एक घटना घटी उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में, जहां एक व्यक्ति पानी में फैले करंट की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। कपड़े के दुकान में हुए जल जमाव में तेज विद्युत का प्रवाह के चपेट में आकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस घटना से इलाके में उत्तेजना फैल गई। ये घटना उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज नगर निगम के सीमुल तल्ला इलाके में घटी। मृत व्यक्ति की पहचान 41 वर्षीय सुशांत साहा के रूप में हुई, जो पेशे से कपड़ा व्यवसायी थे। जब सुशांत अपने घर के काम निपटा कर दुकान पहुँचे और गोदाम में जमे पानी को साफ करने के लिए पानी में गए, उसी समय वह पानी में फैले करंट की चपेट में आ गए, जिसके कारण वह पानी में ही गिरकर तड़पने लगे। इस घटना के बाद दुकान के आसपास हो हल्ला मच गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह सुशांत को कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर बंगाल में आई बाढ़ दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। बाढ़ का पानी रेलवे लाइनों को भी अब क्षतिग्रस्त कर रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। उत्तर बंगाल में आई बाढ़ दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। बाढ़ की वजह से पहले जहां उत्तर बंगाल के निवासियों को पीने के पानी, खाद्य सामग्री और कई जरूरत के सामानों के अभाव में दिक्कतें उठानी पड़ रही थी, वहीं इस बाढ़ ने अब यातायात की सुविधाओं पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। बुधवार को बिहार के बाईसर जंक्शन से बाढ़ का पानी बहते हुए बंगाल के कई स्टेशनों के रेल लाइनों तक पहुँच गया, जिसके कारण रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गयी। कई जगहों से तो रेल लाइनों के टूटने की भी खबरें आ रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं सियालदह से उत्तर बंगगामी तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस, कंचनजंगा एक्सप्रेस, कंचन कन्या एक्सप्रेस को अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही हावड़ा से असम जाने वाली सरायघाट कामरूप कामख्या को भी रद्द कर दिया गया है। यात्रियों के समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें इस परेशानी से कब छुटकारा मिलेगा और वह कब अपने अपने घरों को पहुंच पाएंगे। 6 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही नंदीग्राम के अंशुरा बीबी की मंगलवार को मृत्यु हो गई। आपको याद दिला दे, ये वही अंशुरा बीबी है जिसके पति ने उसके रंग काला होने के साथ 2 बच्चियों को जन्म देने के कारण उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। घटना के बाद से ही उसका पति शेख अब्दुल कलाम आजाद फरार है। हावड़ा के उलबेड़िया में शराब के अड्डे पर दोस्त द्वारा बुलाए जाने पर गए एक व्यक्ति की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक नव कुमार अपने उसी दोस्त के होटल में काम करता था। हालांकि व्यापारिक विवाद के चलते उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपना होटल खोल लिया था। घटना के बाद से मृतक का दोस्त श्रीकांत फरार है। हावड़ा के उलबेड़िया में शराब पीने के लिए शराब के ठेक पर गए
एक व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को कुलगाछी के रहने वाले मृतक नव कुमार बाघ को श्रीकांत ने शराब के अड्डे पर बुलाया था। बताया जा रहा है कि मृतक श्रीकांत के होटल में काम करता था। कुछ व्यापारिक कारणों के कारण नव कुमार ने श्रीकांत का होटल छोड़कर अपना होटल खोल लिया था और उसे चला रहे थे। मंगलवार को श्रीकांत ने नव कुमार के घर फोन कर बताया कि नव कुमार की हालत बिगड़ने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद परिजनों को पता चला कि श्रीकांत नव कुमार को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर भाग गया है, जिसके बाद से श्रीकांत फरार है। स्थानीय लोग दबी जुबान में ये भी कानाफूसी कर रहे हैं कि नव कुमार की पत्नी के साथ श्रीकांत का अवैध संबंध था, जिसकी भनक नव कुमार को लग गई थी। नव कुमार की मौत कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। आइए नजरें डाल लेते हैं बंगाल की कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। कुलटी थाने के नियामतपुर लक्ष्मीपुर रेड लाइट इलाके में गब्बर खान नाम के एक युवक ने इसी इलाके के रहने वाले राजू बावड़ी को बुरी तरह पत्थर से वार कर घायल कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही नियामतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर जा पहुंची और घायल युवक गब्बर खान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की खबर सुनकर कुलटी ब्लॉक बावड़ी समाज के सदस्य ने नियामतपुर फाड़ी के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया। घटना की खबर पाकर ADCP वेस्ट घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अभियुक्त गब्बर खान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पूर्व बेलाय कोनो कारण होय तो छेलेटा पासेर पाड़ा लैटिन फैटिन कोते साइडे गेछे। गब्बर बोले जे एंटी क्रिमिनल एंटी सोशल लोक दिशाई बास करछे, সে ওনাকে জিটি রোডের উপরে পাথর দিয়ে ছেঁচে তাকে হাফ মার্ডার করেছে। ছেলেটা আমার মনে হয় আশঙ্কাজনক, কী হবে না হবে সেটা পোষা আমার থেকে বেটার প্রশাসন জানবে। সেখানে প্রশাসনের মানুষ উপস্থিত ছিল, তার সঙ্গে তার তর্ক বিতর্ক হয়। উনি বলেছেন যে যা করবো বেশ করেছি, তোর যা ইচ্ছা করে নে। অ্যাডভাইস শুনতে চাইছি যে প্রশাসন আমাদের যে ছেলে ভর্তি আছে হসপিটালে, তার জন্য উনি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। যে আসামি ধরা পড়েছে হতে পারে সে কাল বেল হয়ে বেরিয়ে যাবে, বড় বড় নেতারা তার মাথায় হাত দেবে পয়সার জন্য। আর এই পয়সার জন্য আমার বাউরি সমাজের মানুষ সিদুলকা সিদুল টাইপের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এইটা আমরা চলতে দেব না আর এইটা বেশি দিন প্রশ্রয় দেব না। এই নিয়ে আজ আমাদের এখানকার অবস্থান বিক্ষোভ। 15 अगस्त के दिन ही मालदह में अवैध हथियारों के कारखाने का पर्दाफाश हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा के कालियाचक थाना के अंतर्गत पड़ता है ये कारखाना, जहां अवैध तरीके से गैर कानूनी हथियार बनाने का गोरख धंधा चलता था। इस छापेमारी को पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ग्रामेर एंड जाते जो पुलिस हिट बाइड जंगल आ মানে ইন্টারোগেশন করে পিসিপি রোডে তখন জানতে হবে। অবজার্ভ করার জন্য ওটা সেপারেট একটা প্লেন ক্লথে লোক পাঠানো হলো, তারপর ব্যাক সাইডটাকে আগে গার্ড করা হলো, ব্যাক সাইড গার্ডের পরে তারপরে ফ্রন্ট সাইড দিয়ে হিট করা হলো। তখন ব্যাক সাইড গার্ড হয়ে গেছে না, ছেলে আর বেরোতে পারলো না। বালুরঘাট মে অভি লোক বাড় সে প্রভাবিত হ্যাঁ। স্থিতি কা জায়জা লেনে মঙ্গলবার কো বালুরঘাট কে বিডিও কৌশিক চ্যাটার্জি ও সভাপতি প্রবীর রায় পৌঁছে তথা বাড় সে গ্রস্ত লোগো কে লিয়ে খানে কি ও রাশন কি ব্যবস্থা কি। কয়েকদিন বর্ষণের ফলে এবং উপরে বৃষ্টি, পাহাড় এলাকায় বৃষ্টি হওয়ার ফলে আমরা বর্তমানে আমার বিধানসভার এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে চকবিগু, তারপরে আমার ডাঙ্গা অঞ্চল এবং পারপতিরাম পতিরাম বিভিন্ন অঞ্চল, আমার বিধানসভা কুমারগঞ্জ এবং কুসুমুন্ডি সহ গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরে মোটামুটি বন্যার যা পরিস্থিতি, এতে মানুষের খুবই অসুবিধা হয়েছে। আমরা পরশুদিন থেকে আমাদের যতটা অ্যালটমেন্ট পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিটা জিপির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জিপি রিকুয়েশন দিচ্ছে, আমরা যে স্টক আমরা সব কিছুই দিয়ে যাচ্ছি। চিরার জন্য চেষ্টা করেছি, পাইনি, দুই দিন ধরে আজকে পেয়েছি চাল, চিরা সকালবেলা পৌঁছে দিয়েছি। চাহিদাটা প্রচুর শুনলাম, এখনও 5 কুইন্টাল বিলের সাথে কতগুলো 5 কুইন্টাল আসতে গেছে, তারা এটা দিয়ে দেবে। আমি এখনই পিজি অফিসে যাচ্ছি, আমরা পঞ্চায়েত প্রধানের মাধ্যম দিয়ে পঞ্চায়েত স্টাফের মাধ্যম দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিই। उत्तर बंगाल के कई जगहों पर भारी बारिश के बाद जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। रेल लाइन भी इससे काफी प्रभावित दिख रही है, जिससे रेल सेवाओं पर असर पड़ रहा है। निचला हिस्सा धस जाने से
रेल परिसेवाएं बंद सी हो गई हैं, जिससे रेल यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई। मालदा के टाउन स्टेशन में यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। ट्रेन स्टैंडरी का हावड़ा गई थी, हावड़ा थे लोग हमारे टिकट काटा हुए थे, जनरली हमें गुवाहाटी जाब हमारा पाँच जन लोग मे ऐले नहीं आसान हमारे बोलो जो तीन घंटा टाइम हो गए हमने एक तरफ जहां लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए, वहीं 15 अगस्त के दिन ही बहरमपुर में दो इलाकों के युवकों में आपसी भिड़ंत हो गई। धक्का मुक्की से शुरू हुआ यह मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद जमकर बवाल मचाया गया और कई वाहनों के साथ साथ दोपहिया वाहनों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अनुष्ठान को जान खिचड़ी खाओ ना प्रति बछर कम बेसि करी तो ये बछर करी तो रास्ता दिए ओरा जाए आसे दुबार 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 तीन बार टाक मारे हम तक बुझते रही झमेला कर मतन थकी रात পনেরোটা নাগাদ ওরা তিনজন বাইক করে আসে, এসে আমাদের একজনকে ধাক্কা মেরে দেয়। ধাক্কা মেরে দেওয়ার পর একজন পড়ে যায়, পড়ে গিয়ে অজ্ঞানের মতো হালকা হয়ে যায়, তো ওকে জল ডাল দেওয়া যায়, ওরাও পড়ে যায়, যারা ধাক্কা মেরেছিল তারাও পড়ে যায়। আসানসোল রেল মন্ডল মে বুধবার কো সভি হকরো কো আরপিএফ নে খদেড় দিয়া। इस घटना में एक हॉकर की पैर की हड्डी टूट गई। इस घटना के बाद सभी हॉकरों ने मिलकर उस घायल हॉकर को आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हॉकरों का आरोप है कि इसके पहले भी आरपीएफ ने इसी तरह हॉकरों को तंग करना शुरू किया था, जिसके विरोध में हॉकरों ने एक जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन आरपीएफ के इंस्पेक्टर दीपांकर दे ने हॉकरों को समझा बुझा कर उस समय तो वो विरोध को बंद करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आरपीएफ के जवान हॉकरों से 1200 से 2400 रुपए की राशि के रूप में फाइन लेते हैं, लेकिन इस फाइन की कोई रसीद उन्हें नहीं देते हैं, जिसको लेकर हॉकरों ने डीआरएम को आरपीएफ जवानों की 7000 की वसूली को देखते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा था। इस विषय में सभी हॉकरों का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और एक बार फिर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये हमारे घर और पेट की बात है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर और पेट कैसे भरेगा। हॉकरों का ये भी कहना है कि हम लोग स्टेशन पर यात्रियों का सहयोग करते हैं, हमारे ही कारण आसनसोल रेलवे स्टेशन में चोरी नहीं होती है, फिर भी हम लोगों को आरपीएफ वाले तंग करते हैं और हमें हटाने में लगे हुए हैं। होकर लोग क्या सुबह में दौड़ा कर करके पीटना चालू कर दिया था। सुबह में घर गया 100-150 होकर मेरे पास कह रहा गोपाल भैया आरपीएफ हम लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहा। बोले ऐसा तो वो लोग वादा किया था कि मारेंगे नहीं, कहा कि डीआरएम साहब जो एनके सचान साहब थे वो कहे थे कि हम लोग सब कुछ कहेंगे लेकिन मारेंगे नहीं होकर के ऊपर, लाठीचार्ज कोई नहीं करेगा, लेकिन ये लोग मार रहा था। सुबह में एक होकर हम लोग का होकर से आरपीएफ को देख के डर से भाग जाता है कि 1200 रुपया फाइन नहीं लगे, उसके कारण क्या किया आज आरपीएफ का एगो महेंद्र प्रसाद धोनी उसका नाम है वो दौड़ा कर कर करके होकर उसको धक्का दे दिया, लाइन में होकर गिर गया, पूरा पैर एकदम फ्रैक्चर है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।